दीवाने हाल फ्लावर में आला सतह का इजलास, समझा अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। पंजाब में तोनाई मंसूबों पर भी बात, वजीर आजम शेख उपरा भेगी पावर प्लांट का दौरा भी करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने शौकत बसरा पर फायरिंग के वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना ली। आरपीओ सरगोधा ज़ुल्फ़िकार हमीद कमेटी के सरबरा मुकर्रर, कमेटी वाक़े के हर पहलू से तहकीकात करके वजूहात का तआयुन करेगी। पुलिस फायरिंग नौजवान की हलाकत का केस अमरुद्दीन समीउल्लाह को आज दो रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमे के दूसरे मुल्जिम तारिक को भी अदालत में पेश किए जाने का इंकार। दादर दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दोहरे कत्ल के मुकदमे की समाअत आज होगी। परवेज मुशर्रफ की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए रद्द वारंट के इजरा से मुतालिक फैसले का इम्कान। महकमा दाखिला सिंध ने इस्तेमाल शुदा मोबाइल की बगैर तस्दीक व खरीदे फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी, दुकानदार चोरी शुदा मोबाइल की शिकायत दर्ज कराने का पाबंद होगा। चोरी का मोबाइल बेचने पर जुर्माना भी होगा। फैक्ट्री मालकान के पास हमाद सिद्दीकी ने भत्ते के लिए भेजा। जेआईटी ने अब्दुल रहमान भोला का 15 से जायद टारगेट किलिंग की वारदातों का एतराफ। एमजी एम का नाम न आए इसलिए एफआईआर फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाई की। सैकड़ों पुलिस अफसरान को सड़कों पर मारा गया, कत्ल करने वाले अहाने में बैठे रहे। सोसाइटी क्यों खाना सही, कब तक कराची को रेंजर्स की बेसाखियों पर चलाया जाएगा, आईजी सिंह ने सवाल उठा दिया। कराची के माड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, ऑपरेशन के दौरान 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। जेरे हिरासत अफराद थाने मुंतकिल, ऑपरेशन में पुलिस के 100 से ज्यादा अहलकारों ने हिस्सा लिया। यूएस पैनल कोर्ट में मुस्लिम ममालिक पर अमरीका ने आने पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत के हुक्म की वकला से उन ममालिक अफराद को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की शवाहद भी तलब, फैसला आइंदे हफ्ते में तलब है। अरब-ए-अमीरात मुत्तहिदा ने मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल की पार्लियामेंट की जानब से नई बस्तियों की तामीर के फैसले को आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल कहते हैं इसराइल को नतायज का भी सामना करना पड़ेगा।